आज हम और आप जिस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, यहां पर एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा देकर खुश होता है और ये समझता है कि इस दुनिया के अंदर जो जिसको जितना लूट ले, जिसको जितना बेवकूफ बना दे इस दुनिया के अंदर, वो उतना ही बड़ा कामयाब और उतना ही बड़ा स्मार्ट इंसान है। जबकि शरीयत हमको क्या सिखलाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमको क्या सिखलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, कि जो इंसान किसी को धोखा दे, किसी के साथ फ्रॉड करे, किसी के साथ गबन करे, तो यकीन मानो कि वो हम में से नहीं है, हमारे तरीके में से नहीं है, यानी वो हमारा तरीका नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कितने आला थे, आपने गैरों के साथ भी कभी जिंदगी में धोखा नहीं किया। आज मेरे भाइयों, हम और आप जहां जिंदगी गुजार रहे हैं, ये खुदगर्जी का जमाना है, खुदगर्जी का जमाना है, मतलब परस्ती का जमाना है, अपने फायदे के लिए। आज एक भाई भाई को लूट रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे हालात और ऐसे दौर में हमें ऐसी धोखादेही से खुद को भी बचाना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना चाहिए।